हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से RPSC ने वैकेंसी निकाली है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। पद का नाम है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। सैलरी की यदि हम बात करें तो ग्रेड पे 4200, लेवल 11 के अकॉर्डिंग सैलरी 67,700 तक आपकी रहने वाली है। इस वैकेंसी में सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा जनरल कैटेगरी की 18 से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है। आयु सीमा में छूट जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको बिल्कुल दी जाएगी। कैसे आवेदन करना रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट में व्यू ऑल पर आप क्लिक कर लेंगे तो सबसे ऊपर 19 जुलाई 2024 का प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ध्यान में रखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर है 8/2024-25। विस्तृत विज्ञापन है ये। पद का नाम संरक्षण अधिकारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी। क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, आपने जो है मास्टर डिग्री सोशल वर्क में किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने LLB किया है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो पॉइंट है उसमें दिया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो थोड़ा राजस्थानी कल्चर का जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी आपको लिखनी आनी चाहिए। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं SC ST बैकवर्ड क्लासेस, उनको 5 साल की छूट है। EWS SC ST वर्ग की जो महिला हैं उन्हें 10 वर्ग की छूट है, 10 वर्ष की छूट है, और सामान्य वर्ग की जो महिला है उसे 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला तो नो अपर एज लिमिट, ठीक है, कोई भी आवेदन कर सकती हैं कितनी भी उम्र की। वेतन का रनिंग पे बैंड, पे मैट्रिक्स लेवल 11, ग्रेड पे 4200। राज्य सरकार के नियमानुसार जो प्रोबेशन पीरियड होगा, परीक्षा काल, इसमें नियत मासिक वेतन डे होगा। तो फिक्स जो है सैलरी रहने वाली है आपकी 67,000 से भी अधिक सैलरी आपकी रहेगी। बाकी और भी चीज़ें जान लेते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, तो रिटर्न एग्जाम होगा, सिलेबस भी दिया हुआ है। परीक्षा का स्थान, तिथि, समय संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी, वस्तुनिष्ठ रूप में। आवेदन की अवधि 29 जुलाई 2024 से लेकर 27 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे तक होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर है rpsc.rajasthan.government.in। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो आप लोगों को लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की और पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के अभ्यर्थी 600 रुपीज़ है। आरक्षित वर्ग SC ST पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर 400 रुपीज़ है। इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। दिव्यांगजन की फीस जो है 400 है। जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं राजस्थान से बाहर के, तो उनकी 600 रुपीज़ जो है फीस इसमें लगने वाली है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। तो आप जनरल कैटेगरी में ही जो है आवेदन कर सकते हैं, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देखें, स्कीम एंड सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पर जो होगा, जिसमें 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, इसी में दो पेपर होंगे, जिसमें 300 300 मार्क्स के दो होंगे,
दोनों पेपर ही जो है वो 3 घंटे के, हर एक पेपर 3 घंटे का होगा। अ कैंडिडेट मस्ट टेक द कंपल्सरी एग्जामिनेशन एंड एनी वन ऑफ द ऑप्शन पेपर बिलो, सोशल वर्क या लॉ, इसमें से एक आपको चूज करना होगा। ऑल द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल रहेगी। 1/3 जो है इसमें आपके गलत आंसर के मार्क्स काट लिए जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 40%, एक पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा तो आपको 40% उसमें लाने ज़रूरी हैं, दोनों ही पेपर में 40-40%। तो अभी जो है सिलेबस डिटेल में सिलेबस का जो है बिल्कुल वेट करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट में व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। 27 अगस्त 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुल पदों की संख्या केवल 4 है, जिसमें 3 पद एससी कैटेगरी के लिए हैं और 1 पद एसटी कैटेगरी के लिए है। पद अस्थाई हैं और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो ऐसे ही जो है किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है जहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की, तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।